हम शहर के लोगों से यह कहना चाहते हैं कि हम चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति और शिव बरात आयोजन समिति और इंद्रपुर युग नवयुग समिति सभी लोगों ने मिलकर एक भव्य रामोत्सव का निर्माण यहाँ रामोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, उसमें हम शहरवासियों से कहेंगे कि आप सब परिवार आएँ, बाल बच्चों को लेकर आएँ, आप यहाँ के कार्यक्रम को देख के ऐसे आपके बच्चों को भी एक सीख मिलेगी, प्रभुराम की जीवनी को जानने का नाट मंचन द्वारा यहाँ कार्यक्रम है वो जानने का मौका मिलेगा, आपको यहाँ के सुंदरकांड हनुमान चालीसा जब आपके बाल बच्चे आप सुनेंगे आप मंत्रमुग्ध होंगे, आप में अपने सनातन होने का गर्व भी महसूस होगा, आप हिंदुत्व के प्रति आप जागरूक होंगे आज के बच्चे। हम इस कार्यक्रम में राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लगातार पूजा पाठ का आयोजन है, प्रसिद्ध गायिका स्वाति मिश्रा जी का भजन संध्या है, आप शहरवासी को कहना चाहेंगे लोग आए यहाँ पे और रामोत्सव का उत्सव का आयोजन में भाग लें, प्रभु की सेवा करने का अपने आप को मौका दे और उनके आशीर्वाद वहाँ जो कलाकार आ रहे हैं जो साधु संत आ रहे हैं उनके आशीर्वचनों से अपने ज्ञान को भी ले। हमारे लिए गर्व का पल है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमारे रामलला 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान होने के लिए तैयार है। इस शुभ अवसर पर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति में युवराज सुधीर सिंह जी के मित्र रमेश जी के द्वारा आयोजित रांची के मेन रोड में 21 और 22 जनवरी को भव्य राम उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें मैं 21 तारीख को अपना परफॉर्मेंस देने वाली हूं आप सबके बीच, तो आप सब सादर आमंत्रित। भगवान राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का हो रहा है आयोजन, 21 और 22 जनवरी को रांची के मेन रोड में पूरे परिवार के साथ राम उत्सव में भाग ले। अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के पहले गिरिडीह में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गिरिडीह के एसपी और डीआईजी ने रात भर पेट्रोलिंग कर स्थिति पर नजर रखते हुए शांति बनाए रखने की अपील की है। आपके सहयोगी के रूप में रहे साथ में आपके आगे पीछे और साइड में कौन है स्थिति देखा जाए तो पुलिस मुख्यालय स्तर से फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट्स को अलग अलग फोर्सेस मिली हैं संख्या में, इवन डीआईजीस को आईजीस को भी रिजर्व फोर्स मिला है, तो उन सबका डिप्लॉयमेंट प्लान ऑलरेडी तैयार किया जा चुका है और डायरेक्शंस भी दिए जा चुके हैं कि फ्लैग मार्च कीजिए, जो हमारी QRT है एंटी राइड जो हमारा यूनिट है उसको भी तैयारी हालत में रखा गया है, उनको मॉक ड्रिल्स कराए गए हैं, हमारे पास प्लास्टिक बुलेट्स और रबर बुलेट्स, टीयर गैस शेल्स, टीयर गैस गन्स वो सारे रेडी अवस्था में हैं, तो उसी का एक मैं जायज़ा लेने आया हूँ गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। और कुछ अभी जो छुटपुट घटनाएं हुई यहाँ पे तो उसमें पुलिस ने बड़ी तत्परता से उसको कंट्रोल किया है और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम नॉर्मल है, तो बस उसी चीज़ को हम लोग एक बार समीक्षा करने रिव्यू करने आए। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गिरिडीह में सारी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा चुकी है, सभी जगह बलों की तैनाती की जा चुकी है सभी संवेदनशील स्थानों पर और बाकी अन्य स्थानों पर भी पुलिस पदाधिकारी एवं बलों की तैनाती की गई है, सभी की ब्रीफिंग की जा चुकी है और सभी संगठनों के साथ पीस कमेटी की बैठक भी की जा चुकी है, आज मेरे नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च भी किया गया है। कार्यक्रम को लेकर मेरा पूरे गिरिडीह जिलावासियों से अपील है शांतिपूर्ण माहौल में सारा अपना कार्यक्रम करें, प्रशासन आपके साथ है और सभी कार्यक्रम को शांतिपूर्वक संपन्न करने के पश्चात सभी अपने अपने घरों को वापस जाएं और पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद है और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। साथ ही असामाजिक तत्वों के लिए कड़ा संदेश है कि किसी के भी द्वारा कोई भी ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या या कोई भी ऐसा कृत्य किया जाएगा तो उनके विरुद्ध में गिरिडीह पुलिस के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार, आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में,
राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।